हाय एवरीवन सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन जब हम लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर डिस्कस किया था वहाँ पे मैंने आपको बताया था दैट रिप्रोडक्शन इज आल्सो अ लाइफ प्रोसेस रिप्रोडक्शन को लाइफ प्रोसेस ही क्यों कहा जा रहा था बिकॉज ये इंपॉर्टेंट होती है टू कंटिन्यू लाइफ ऑन द अर्थ बट रिप्रोडक्शन है क्या रिप्रोडक्शन एक फंडामेंटल एट्रीब्यूट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इट इज़ अ प्रोसेस इन विच दी ऑर्गेनिजम प्रोड्यूस मोर ऑफ इट्स ओन काइंड इट्स ओन काइंड का मतलब है कि अगर एक ह्यूमन बींग है ह्यूमन बींग रिप्रोड्यूस करेगा अपने ही जैसे एक ह्यूमन को कैट है तो कैट रिप्रोड्यूस करेगी अपनी ही जैसी एक कैट को प्लांट है तो प्लांट अपने जैसा प्लांट रिप्रोड्यूस करेगा कभी आपने शायद ये नहीं सुना हो कि कैट के घर डॉग के बेबी का बर्थ हुआ है एक मदर कैट ने एक बेबी डॉग को बर्थ दिया है राइट right? पपी को या ह्यूमन के घर किसी मंकी का बर्थ हुआ है दैट मीन्स एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस इट्स ओन काइंड अपने ही जैसे इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने की प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं एंड द न्यूली फॉर्म ऑफ स्प्रिंग जो नए बेबीज़ का बर्थ हुआ है दे विल अगेन रिप्रोड्यूस एंड दे विल इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑन दिस अर्थ एंड दिस मेंटेन्स द लाइफ ऑन द अर्थ सपोज एक ही ह्यूमन बींग बचा है एंड वो अपने आप में लास्ट है उसकी डेथ होने के बाद उसके बेबीज़ अगर नहीं बचे अगर उसने रिप्रोड्यूस नहीं किया उसके बेबीज़ नहीं हैं तो वहीं पर लाइफ ख़त्म हो जाएंगी बिकॉज अगर आप लास्ट स्पीशीज़ बची है और रिप्रोड्यूस ही ना करे अपनी प्रोजनीज को ना छोड़ के जाए प्रोजनीस का मतलब है बेबी तो लाइफ तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगी दैट्स वाई इसको लाइफ प्रोसेस कंसीडर किया जाता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी प्रोजनी को या अपनी बेबी को सिमिलर बॉडी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है विथ सिमिलर जेनेटिक ब्लू प्रिंट जेनेटिक ब्लू प्रिंट दैट मीन्स डी बट ये एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होती हैं दे हैव सम सबटल चेंजेस सबटल मीन्स कुछ माइनर चेंजेस आते हैं एंड एंड माइनर चेंजेस को वेरिएशंस कहा जाता है वेरिएशन का मतलब है डिफरेंसेस अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक आप एंड आपके अगर सिबलिंग्स हैं सो so आप दोनों एक ही मदर के बच्चे हो बट स्टिल आप में कहीं ना कहीं कुछ माइनर चेंजेस होंगे एंड दैट इज अबटल चेंज सो हर एक स्पीशीज एक बॉडी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है अपनी प्रोजनी को उसको एक जेनेटिक स्ट्रक्चर या ब्लू प्रिंट देती है बट विथ सम वेरिएशन वेरिएशंस आते कैसे हैं इसको डिस्कस करने से पहले जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उसके बारे में जस्ट जनरल चीज़ें बता दूं मैं आपको ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन जो भी स्पीशीज होती है उसकी सेल में कुछ चेंजेस होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल में या रिप्रोडक्टिव पार्ट में सबसे पहले हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए प्रेजेंट होता है सेल के अंदर दैट इज डिऑक्सीराइबो एसिड पहले ये अपने डी एन ए की दो कॉपीज बनाते हैं एंड एक बार इनके डी एन ए की कॉपीज बन गई दैट्स कॉल्ड कैरियो कैनिस इनका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा कैरियो कैनसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एक बार कॉपी बनी न्यूक्लियस डिवाइड हो गया देन साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है साइटोप्लाज्म भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है या सेलुलर अपैरेटस भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं दैट्स कॉल्ड साइटोकाइनसिस एंड देन एक सेल डिवाइड हो के दो सेल का फॉर्मेशन कर लेती है दो नई सेल्स का फॉर्मेशन करती है डी एन ए इन्फॉर्मेशन रखता है कोर्ट्स रखता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन बट जब डी एन ए की कॉपीज हो रही होती हैं तो चांस है कि उसमें थोड़ा बहुत एरर हो जाए लाइक like, सपोज आपको आपके किसी फ्रेंड ने मैसेज दिया है ये किसी थर्ड पर्सन को आपको जाके बताना है द पर्सन इज़ गुड बट टाइम वो थोड़ा इरिटेट कर जाता है तो मुझे पसंद नहीं है आप जब उस थर्ड पर्सन को ये बात बताने जाएंगे बिकॉज आप मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं आप कॉपी बना रहे हैं इनके वर्ड की सो so जब आप ये मैसेज उनको फॉरवर्ड करेंगे कन्वे करेंगे ह्यूमन नेचर है एरर हर जगह होता है आप बताएंगे आप उस वर्ड को थोड़ा ट्विस्ट कर सकते हैं वो तो यही आप ऐसे बोल सकते हैं वो तो यही कह रहा था कि बहुत एरोगेंट है बहुत बदतमीज़ है मोस्ट ऑफ द टाइम आई गेट इरीटेटेड आपने बातें वही बोली हैं बट एक दो वर्ड में आपने चेंजेस कर दिए दैट मीन्स माइनर एरर हुआ जो पहले उसने मैसेज दिया था अगर आप सेम मैसेज कन्वे करें तो दोनों के बीच के रिलेशन्स अच्छे रहेंगे बट आपने क्या किया आपने बस माइनर चेंजेस किए अब जो आपने सेकेंड मैसेज उसको दिया जो थोड़ा ट्विस्ट के साथ चेंजेस के साथ उसकी वजह से थर्ड पर्सन का बिहेवियर चेंज हो जाएगा तो so सिमिलरली जब भी डीएनए में ज़रा सा भी चेंजेस हो जाए कोई भी माइनर चेंज वो प्रोटीन फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है इसकी वजह से स्पीशीज़ में चेंजेस आ जाते हैं एंड इन्हीं चेंजेस को हम वेरिएशंस कहते हैं ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन प्रोसेस डीएनए की कॉपी होती है उस टाइम में थोड़े बहुत एरर आ जाते हैं और उन्हीं एरर लीड करते हैं वेरिएशंस को वेरिएशन का मतलब है डिफरेंस ये वेरिएशंस हेल्प करते हैं किसी भी स्पीशीज के बेटर सर्वाइवल में जो आपने वर्ड ट्विस्ट किया था वो आपने इसीलिए वर्ड ट्विस्ट किया ताकि जो दोनों फ्रेंड्स थे उनके बीच की दोस्ती ख़त्म हो जाए और आपसे उनकी दोस्ती बन जाए ये इसलिए किया बिकॉज आप अपना सर्वाइवल इंश्योर करना चाहते हैं सो so जो भी वेरिएशंस आते हैं वो किसी भी स्पीशीज़ को बेटर सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं वेरिएशन एडवांटेजेस भी हो सकते हैं डिसडवाटेज वेरिएशन की वजह से कुछ इंडिविजुअल्स में एबिलिटी आ जाती है टू कोप अप विद द चेंजेस एंड हेल्प इन द बेटर सर्वाइवल बट कुछ स्पीशीज़ में ये हार्मफुल होता है डिसएडवानटेजेस होता है लाइक सपोज़ मॉस्किटो का एग्जाम्पल आप लीजिए पहले जो मॉस्किटोज आप कॉयल यूज़ करते थे मॉस्किटोज़ की डेथ हो जाती थी बट आप उसी कॉयल पे ये मॉस्किटो डांस करते हैं एजफ ये आपको टीज कर रहे हैं कि और कॉयल चलाओ बट ऐसा नहीं है कि वही मॉस्किटो हैं और वह आज भी सर्वाइव कर रहे हैं सपोज हंड्रेड मॉस्किटो थे उनमें से ट्वेंटी मॉस्किटोज़ में वेरिएशन थे और वो क्वाइल से निकलने वाले केमिकल को रेजिस्ट कर सकते थे एटी स्पेशीज़ तो मर गई बिकॉज वो रेजिस्ट नहीं कर पाएं इनमें वेरिएशन प्रजेंट नहीं था जो ट्वेंटी बच गई अब ये रिप्रोड्यूस करेंगी अब इनके आने वाली जनरेशन्स में वेरिएशन था सो दे विल बी एबल टू कोप अप विद द सिचुएशन जस्ट लाइक कोरोना वायरस अभी राइट right नाउ एक पैंडमिक स्प्रेड हो रखा है कोरोना इनमें से जिन स्पेशीज़ में वेरिएशन है जो स्पेशीज़ कोप कर सकती हैं सिचुएशन से वो ह्यूमन बींग्स सर्वाइव करेंगे और जो नहीं कर पाएंगी वो एलिमिनेट हो जाएंगी उनकी डेथ हो जाएगी जो बची रहेंगी ये आगे रिप्रोड्यूस करेंगी और आने वाली जनरेशन्स में इस कोरोना वायरस का कोई इफेक्ट नहीं रह जाएगा दैट मीन्स ये वेरिएशन एडवांटेजियस है अभी भी रिप्रोडक्शन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक और जनरल इन्फॉर्मेशन जो भी कुछ टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं वो बोर्ड में नहीं आएंगे बट हम लोग एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जहाँ पे आपको एटलीस्ट बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कि बेसिक क्या है किसी भी सेल में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में डिविज़न होता है सेल डिवाइड करती है और उसको सेल डिविज़न कहते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिविजन फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड माइटोसिस सेल डिविज़न सेकेंड इज कॉल्ड मियोसिस और रिडक्शन सेल डिवीजन माइटोसिस सेल डिवीजन में एक मदर सेल एक सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है दो नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है बट जो नंबर ऑफ क्रोमोज़ोम होते हैं मदर सेल में वही नंबर ऑफ क्रोमोजोम डॉटर सेल में प्रेजेंट होते हैं लाइक ह्यूमन बींग्स में नॉर्मल फोर्टी सिक्स क्रोमोज़ोम होते हैं सो so, अगर नॉर्मल सेल डिवाइड कर रही है माइटोसिस के थ्रू तो जो नई सेल बनेंगी उनमें नंबर ऑफ क्रोमोज़ोम 46 ही रहेगा बट नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाएगी एक से दो सेल तो बन गई बट नंबर ऑफ क्रोमोजोम उनके इंक्री सेम ही हैं माइटोसिस हमेशा होती है फॉर द ग्रोथ लाइक आपकी जो नॉर्मल सोमैटिक सेल्स हैं जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं हैं उन सेल्स में माइटोसिस होता रहता है एंड दैट्स बाय आपकी लेंथ आपकी हाइट वगैरह इंक्रीज़ करती है वेर एट द सेकेंड डिवीजन इज़ मियोसिस और रिडक्शन डिवीज़न म्योसिस या रिडक्शन डिवीजन सिर्फ जर्म सेल में होता है या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में होता है मेल एंड फीमेल में अलग अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स में म्योसिस होता है म्योसिस सेल डिवीज़न में एक सेल डिवाइड करके दो तो या चार नई सेल का फॉर्मेशन तो करती है बट उसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम हाफ हो जाते हैं लाइक like, इफ फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम्स आर प्रजेंट जब नई सेल्स बनेंगी उन सेल्स में ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम्स रह जाएंगे सो दैट्स वाई इस डिवीजन को हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं सो आई थिंक नाउ माइटोसिस एंड मियोसिस ये डिवीज़न क्लियर है बिकॉज हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे सो so कई बार ये वर्ड आएंगे सो so आपको कन्फ्यूज़न ना हो दैट्स वाई है इन्फॉर्म यू ह्यो मेजर टॉपिक्स चैप्टर के अब तक स्टार्ट नहीं किए हैं आई थर्ट पहला वीडियो इंट्रोडक्टरी होना चाहिए फॉर द इंट्रोडक्शन इन सेकंड चैप्टर वी विल डिस्कस इन डिटेल द रिप्रोडक्शन टिल देन रिवाइज इट